और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां भानु प्रताप विधानसभा के जनता कांग्रेस नेता राम बाबू पांडे ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। जी हां, सीएम भूपेश और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सामने कांग्रेस में ये प्रवेश किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर, भानु प्रताप विधानसभा के जनता कांग्रेस नेता। भानु प्रतापपुर में जनता कांग्रेस को झटका लगा है, जहां उनके नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर विधानसभा के जनता कांग्रेस नेता राम बाबू पांडे, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या है पूरा मामला? जनता कांग्रेस को एक और झटका? निश्चित रूप से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को झटका लगा और कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करने के लिए कांग्रेस जो है वो वहाँ पे अन्य दलों के जो नेता हैं उनको प्रवेश करा रही। इस क्रम में राम बाबू पांडे जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से भानु प्रतापपुर में जुड़े हुए थे, अजीत जोगी के पुराने समर्थक माने जाते थे, उन्होंने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के समक्ष कांग्रेस राजीव भवन में कांग्रेस में प्रवेश किया है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती मिली है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर, और वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका लगा है। अगर गौरव बात की जाए राम बाबू पांडे के प्रभाव की, तो क्या है उनका उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव है, मतदाताओं को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कितनी कांग्रेस को मजबूती मिली है, इस बात पर भी थोड़ा नजर दीजिए। देखिए, बड़े लंबे समय से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में राम बाबू पांडे काम कर रहे थे, अजीत जोगी के समर्थक माने जाते, और कहीं ना कहीं एक टीम उनके साथ कांग्रेस में आई, तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। और वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है, जिसके लगातार कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे, उसे एक बड़ा झटका लगा है। गौरव, इस पूरे मामले पर जेसीसी चीफ या कुछ उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है जेसीसीजे की तरफ से? देखिए, पीसीसी चीफ और प्रदेश कांग्रेस जो है वो ये दावा कर रही कि उनके आने से पार्टी को लाभ मिलेगा और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत में जो मदद है वो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक के जेसीसीजे की ओर से कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आई है। कांग्रेस जरूर इस मामले में जीत का दावा कर रही है और मदद मिलने का दावा कर रही, कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही जेसीसीजे चीफ की प्रतिक्रिया आती है फिर हम आपसे जुड़ेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक बार फिर कांग्रेस मजबूत हुई है।